हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ और आज आपके लिए मैं हिस्ट्री का एक मुगल एम्पायर चैप्टर लेके आया हूं, जो कि पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो गाइस, अभी तक आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, तभी आगे समझ में आएगा। तो गाइस, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने पढ़ लिया था सारे मुगल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। जो मुगल के ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन थे वो कैसे थे। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर। गाइस, प्रीमोजिनेचर होता क्या है? प्रीमोजिनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट। जो एल्डेस्ट, जो बड़ा बेटा होता है, वही सारे प्रॉपर्टी का, मतलब सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होगा। जैसे कि एक पिताजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर बड़े वाले बेटे के पास होगा। ये होता है प्रीमोजिनेचर। तो गाइस, मुगल जो थे ये इन प्रीमोजिनेचर पे बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस। इनके अलावे, प्रीमोजिनेचर के अलावा, वो बिलीव करते थे मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस। कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस पे वो बिलीव करते थे, और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन। यानी कि इसका मतलब क्या है गाइस, यानी कि अभी आपको मैंने बताया था, एक पिताजी के 4 बेटे हैं, एक पिताजी के 4 बेटे, ये चारों बेटों को इक्वल इक्वल पार्ट में प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, वो होता है कॉर्पोरेशनरी इनहेरिटेंस। तो गाइस, आपको आई होप प्रोजिनेचर, प्रीमोजिनेचर और कॉर्पोरेशनरी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिबिलियन ऑफ मुगल प्रिंसेस। विच डू यू थिंक इज फेयर, डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोजिनेचर और कॉर्पोरेशनरी। तो गाइस, ये टेबल 1 देखने के लिए बोल रहा है, और इससे टेबल 1 को देख के आपको बताना है कौन बेस्ट तरीका है, प्रोमोजिनेचर या कॉर्पोरेशनरी। गाइस, प्रोनाउंस थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो गाइस उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप कमेंट में ऐसे कुछ वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। तो गाइस चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मुगल रिलेशन विथ रूलर। यानी कि जो मुगल के रिलेशन थे रूलर के साथ कैसे थे। टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। गाइस, टेबल 1 पे चले जाओ और फिर से देखो। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। गाइस, यहाँ पे लिख रखा है जो मुगल रूलर थे वो कैंपेन कर करके जो रूलर्स रिफ्यूज़ करता था उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से, उसके ऊपर ये कैंपेन कर करके उन्हें कैप्चर करते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर ऑल्सो ज्वाइन द वॉलेंटरली। लेकिन जब मुगल पावरफुल हो गया तो जो रूलर्स थे अलग अलग जगह के, वो वॉलेंटरली ज्वाइन कर लिया मुगल को। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी कि इसमें कहा गया है जो राजपूत थे वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इन टू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजिशन, बट मैनी रिसिस्ट एज वेल। मुगल में बहुत ऐसे मुगल थे जिन्होंने राजपूत फैमिली के डॉटर से मैरिज किया था, और उनके बदले उन्हें एक हाई पोजिशन मिला था, ठीक है, बट मैनी रिजिस्ट एज वेल। बहुतों ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया था, रजिस्ट कर दिया था। गाइस, यहाँ पे मुगल मैरिजेस विद राजपूत कुछ दे रखा है। द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कच्चावाहा प्रिंसेस। गाइस, जो जहांगीर की माँ थी वो कच्चावाहा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर अंबर। गाइस, जयपुर को पहले अंबर कहा जाता था, जो कचवाहा प्रिंसेस जहांगीर की मम्मी थी वो एक राजपूत रूलर की बेटी थी,
जो अंबर में पढ़ता था। द मदर ऑफ शाहजहाँ वॉज द राठौर प्रिंस, जो शाहजहाँ की मम्मी थी वो एक राठौर प्रिंस थी। डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर, एक राजपूत रूलर की बेटी थी, जो कहाँ पड़ता है, मारवाड़, जिसे आज के टाइम में जोधपुर कहा जाता है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना।